कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो आज शिवपुरी जिले में पहुंची। इस यात्रा का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिनेश गुज्जर कर रहे हैं। पोहरी में किसान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सुरेश रांटखेड़ा द्वारा जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधिया जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पोहरी में तो एक क्विंटल भी चना का उत्पादन नहीं हुआ और सूखा घोषित किया गया। इसमें भाजपा की मिली भगत से सोसाइटी द्वारा दूसरे प्रदेशों से चना मंगा कर बेचा जा रहा है और उन्होंने कहा कि इसे तौलने के लिए 500 प्रति क्विंटल अतिरिक्त लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सभी कांग्रेसी एकजुट हैं तथा किसानों का एक भी दाना इधर उधर हुआ तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसील में तो इतना भ्रष्टाचार है कि पटवारी सूखा घोषित के पैसे डालने के लिए 1000 ले लेगा तो 1100 डाल देगा तथा नामांतरण के लिए 5000 लेता है। इसके बाद किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुज्जर द्वारा जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क कमलनाथ जी की देन है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव समिति का अध्यक्ष सिंधिया को बनाया है। कलश यात्रा की शुरुआत 5 तारीख से की गई और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बुरे वक्त में किसानों के साथ हमेशा से खड़ी रही है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा वह पार्टी धर्म की राजनीति करती है और आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस के जमाने में 4 से 5 हजार सोयाबीन बेचा करता था और आज क्या हाल है। शिवपुरी से गजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। एक एक पोलिंग पे जाएंगे, एक एक कार्यकर्ता को जगाएंगे और किसान की लड़ाई हम बड़े ताकत से लड़ेंगे। साथियों, हमारा किसान को किस तरह ये लोग लूट रहे हैं इसके आपको क्या तुलना करने की जा सकती। मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, जहाँ हमारा जितना किसान है, अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान कराना चाहता हूँ, एक किसान के पास एक क्विंटल चना नहीं है। यहाँ तो सूखा पड़ा है, सूखा घोषित हुआ है, लेकिन सारा चना दूसरे प्रदेशों से लाके हमारे व्यापारियों से साथ काम करके और 500 रुपए पर क्विंटल लेके रात भर यहाँ तुलाई होती है। हमारे किसान को